आज के पाठ का विषय है मुक्तिबोध की कविता में फैंटेसी का महत्व। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप काव्य शिल्प के रूप में फैंटेसी का महत्व समझ सकेंगे, फैंटेसी के स्वरूप को जान सकेंगे, मुक्तिबोध की फैंटेसी संबंधी अवधारणा को समझ पाएंगे, अंधेरे में कविता में फैंटेसी के रचनात्मक उपयोग को समझ सकेंगे और मुक्तिबोध द्वारा भाववादी शिल्प का यथार्थवादी उपयोग को समझ सकेंगे। इस पाठ में हम फैंटेसी और कविता के संदर्भ में अंधेरे में कविता के शिल्प पक्ष पर विचार करेंगे। मुक्तिबोध की संपूर्ण कविता फैंटेसी के शिल्प में लिखी गई है, जिसके मिथक, प्रतीक, रूपक, उपमा, बिंब आदि घुल मिलकर कविता की संरचना को सघन बनाते हैं। फैंटेसी शब्द मूलतः ग्रीक शब्द फैंटेसिया से उद्भूत है। हिंदी में इसका आगमन अंग्रेजी के माध्यम से हुआ है। इस अर्थ में यह शब्द आपके लिए नया शब्द है। इसका अर्थ जानने के साथ फैंटेसी का स्वरूप और इसके मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक पक्ष पर विचार करना जरूरी है। फैंटेसी के बारे में मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी तथा कामायनी एक पुनर्विचार नाम के अपने दोनों पुस्तक में अपने विचार व्यक्त किए। फैंटेसी की अपनी विशिष्टता है, वह साहित्य में प्रयुक्त होकर रचना को विशिष्टता प्रदान करती है। हम फैंटेसी की उस विशिष्टता को जानेंगे। अंधेरे में कविता और फैंटेसी पर विचार किया जाएगा। साथ ही फैंटेसी न सिर्फ भाव या संवेदना के पहलुओं को प्रभावित करती है, बल्कि वह कवि की भाषा व्यवस्था को भी बदल देती है। इसी संदर्भ में मुक्तिबोध के भाषिक प्रयोग को संक्षेप में चिन्हित करें। फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फैंटेसिया से हुई है, जिसका अर्थ है अवास्तव या अमूर्त को दृश्य बनाना, अर्थात काल्पनिक या मानसिक स्तर के भाव या विचार को बिंबों के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा मूर्त रूप प्रदान करने की क्षमता ही फैंटेसी है। काव्य रचना प्रक्रिया में एक कवि अथवा कलाकार बाहरी जगत को आत्मसात करके अपने आंतरिक जगत का हिस्सा बनाता है। इस प्रक्रिया में उसका काव्य अनुभव विकसित होता है, वह अमूर्त होता है और अपने बाहरी यथार्थ से मुक्त होता है। इसी काव्य अनुभव को जब कवि भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हुए बिंबित करता है, तो वह उसके अभिव्यक्ति पक्ष का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। इसी को फैंटेसी या फैंटेसी शिल्प कहा जाता है। वस्तुतः फैंटेसी मनुष्य की विशिष्ट कल्पना शक्ति है, जो सामान्य संगत कल्पना की अपेक्षा अधिक असंक्रमित और बंधन मुक्त होती है। इस रूप में फैंटेसी एक साहित्यिक विधान है और एक काव्य शिल्प है, जो साहित्य के रूप पक्ष से जितना संबद्ध होता है, उतना ही उसके वस्तु पक्ष से भी। फैंटेसी पर मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें प्रमुख रूप से सिगमंड फ्रायड तथा कार्ल यूंग का नाम लिया जाता है। कवि और दिवास्वप्न विषय पर लिखे अपने लेख में फ्रायड ने कहा कि मनुष्य की अतृप्त अधूरी इच्छाएं फैंटेसी की प्रेरक शक्तियां हैं। उनके अनुसार कलाकार अपने जिन दिवास्वप्नों को कलात्मक रूप प्रदान करता है, वे भी उसकी इन्हीं अतृप्त इच्छाओं के परिणाम होते हैं। लेकिन फ्रायड के शिष्य यूंग ने फैंटेसी के बारे में उनसे थोड़ा अलग विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार फैंटेसी मुक्त साहचर्य का पर्याय है। मुक्त साहचर्य में मन को चिंतन के दबाव से मुक्त रखा जाता है। इस प्रकार यह अवरोधहीन असंगत बिंबों का समुच्चय होता है। इसके विपरीत विचार प्रेरित चिंतन पर विवेक का दबाव होता है, वह उसे एक निश्चित दिशा में चलने को बाध्य करता है। लेकिन मुक्त साहचर्य में भी साहचर्य शब्द बिंबों के बीच एक खास तरह की संगति की तरफ संकेत करता है। प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक क्रिस्टोफर कार्डवेल ने यूंग की धारणा अभिप्रेरित चिंतन को स्वीकार किया है और इसे सौंदर्य या अच्छाई का सामाजिक मानदंड माना है। यह विचार उन्होंने अपनी पुस्तक इल्यूजन एंड रियलिटी में व्यक्त किए।
यहाँ फैंटेसी के संदर्भ में स्वप्न और कल्पना पर विचार करना जरूरी है, उनके बीच के अंतर को जानना भी। स्वप्न हमारे चेतन मन के सुप्त पर जाने अथवा कुछ समय के लिए बाधित पर जाने पर आता है। स्वप्न का यथार्थ जगत से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, इसलिए फैंटेसी को विशुद्ध स्वप्न बिंब के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि स्वप्न बिंबों के बीच कोई तार्किक संगति नहीं होती, जबकि फैंटेसी के बिंब अभिप्रेरित चिंतन के परिणाम होते हैं, उनमें एक योजना एक दिशा होती है। कल्पना यथार्थ जगत से प्राप्त अनुभव और ज्ञान के आधार पर पुनर्रचना करने की शक्ति का नाम है। काव्य अथवा साहित्य भाव योजना और कथा योजना को गति प्रदान करने तथा उनसे संबंधित भावों को स्पष्ट करने के लिए जब सामान्य रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार खड़े किए जाते हैं या भावों के सादृश्य निर्मित किए जाते हैं, तो वहां हम अपनी कल्पना शक्ति को प्रयुक्त होते हुए देखते हैं। लेकिन फैंटेसी में कल्पना के इस सहज सामान्य रूप से काम नहीं चलता। फैंटेसी इससे अलग भाव विभाव की रीजनिंग में टूटती दिखाई पड़ती है। उसकी जगह कवि अतिकल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए बिंब अथवा दृश्यों की श्रृंखला निर्मित करता है, उसमें रीजनिंग कवि की रहती है। स्पष्ट है कि फैंटेसी न विशुद्ध रूप से स्वप्न है और न सामान्य कल्पना। एक रचनाकार के रूप में मुक्तिबोध फैंटेसी को लेकर काफी सजग थे। उनकी सजगता बताती है कि वे फैंटेसी को उसकी सामान्य प्रचलित धारणा, जिसमें विशुद्ध स्वप्न अथवा विशुद्ध काल्पनिकता के तौर पर उसे देखा जाता है, से अलग करके देखते थे। अपनी पुस्तक एक साहित्यिक की डायरी में कला का तीसरा क्षण शीर्षक निबंध में उन्होंने फैंटेसी पर विचार किया है। इसके अलावा उन्होंने कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक में भी इस पर विचार किया है। उनके अनुसार हमारा प्रारंभिक अनुभव जब अनुभव की मूल स्थितियों से मुक्त होकर काव्यानुभव में बदलता है, तो वह फैंटेसी का रूप धारण करने लगता है। उसकी पूर्णता उस तीसरे क्षण में होती है जब उससे उसे अभिव्यक्ति देने के लिए कोई कलाकार शब्दबद्ध करने लगता है। इस तरह जीवन यथार्थ से एक कवि कलाकार अनुभव ग्रहण करता है, इस अनुभव से फैंटेसी पैदा होती है। इसीलिए मुक्तिबोध ने उसे अनुभव की कन्या कहा है। उनके शब्दों में फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है। वह अनुभव से प्रसूत है, इसीलिए वह उससे स्वतंत्र है। मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी कोई स्थिर तत्व नहीं है, वह विकासमान है, इसलिए परिवर्तनशील है। उनके शब्दों में फैंटेसी अनवरत रूप से विकसित परिवर्तित होती हुई आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार वह फैंटेसी अपने मूल रूप को बहुत कुछ त्यागती हुई नवीन रूप धारण करती है। यह कहना कठिन है कि फैंटेसी का यह नया रूप अपने मूल रूप की प्रतिकृति है। स्पष्ट है कि मुक्तिबोध की निगाह में साहित्य में फैंटेसी विश्रृंखलित बिंबों का उन्मुक्त प्रवाह नहीं होती और न ही स्वप्न की तरह अवचेतन प्रेरित होती है। वह संवेदनात्मक उद्देश्यों से प्रेरित बिंबों की एक सुसंगत श्रृंखला होती है। मुक्तिबोध कामायनी एक पुनर्विचार में लिखते हैं, फैंटेसी के रूप में जो कथा प्रस्तुत होती है और कथा के अंतर्गत जो पात्र, चरित्र और कार्य प्रस्तुत होते हैं, वे सब प्रतीक होते हैं वास्तविक जीवन तथ्यों के। यही कारण है कि फैंटेसी का चित्रण करते हुए लेखक पात्रों, चरित्रों और उनके कार्यों के बारे में अनेकानेक ऐसी बातें कह जाता है कि जो बातें पात्र, चरित्र और पात्र कार्य के भीतर से उद्गत नहीं होती, नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तुतः वे इन चरित्रों और कार्यों के अंगभूत नहीं हैं। यानी फैंटेसी में लेखकीय व्यक्तित्व की छाप होती है। कामायनी का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा, कामायनी में प्रधान है लेखक के जीवन निष्कर्ष और जीवन अनुभव, न कि कथावस्तु और पात्र।
यहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि फैंटेसी अपने आप में ही भाववादी शिल्प नहीं है। उसका भाववादी या यथार्थवादी होना लेखकीय व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यद्यपि आम धारणा यही है कि फैंटेसी एक भाववादी शिल्प है जिसका बुर्जुआ लेखकों ने प्रयोग किया है। नामवर सिंह ने कहानी और फैंटेसी पर विचार करते हुए माना है कि हमारा यथार्थवादी संस्कार हम पर इतना हावी हो गया है कि हम माध्यम में निहित संदेशों को जानने समझने की जगह सीधे सीधे माध्यम को ही खारिज कर देते हैं, उसे यथार्थ से हेय ही समझते हैं। यह हमारे ऊपर यथार्थ के आतंक का परिणाम है। इस तरह नामवर सिंह इस धारणा की कि फैंटेसी एक बुर्जुआ शिल्प है आलोचना करते हैं। मुक्तिबोध स्वयं फैंटेसी के भाववादी स्वभाव के प्रति सचेत थे, जैसा कि हम जानते हैं। इस संदर्भ में मुक्तिबोध के स्वयं के विचार उल्लेखनीय हैं। यथार्थवादी शिल्प और यथार्थवादी दृष्टिकोण में अंतर है। यह बहुत ही संभव है कि यथार्थवादी शिल्प के विपरीत जो भाववादी शिल्प है, उस शिल्प के अंतर्गत जीवन को समझने की दृष्टि यथार्थवादी रही हो। कवि के जीवन ज्ञान के स्तर पर, उसके दृष्टि पर यह निर्भर करता है कि वह कहाँ तक वास्तविक जीवन जगत को उसके सारे वास्तविक संबंधों के साथ ग्रहण कर उसे वस्तुतः समझता है। यह संभव है कि तथा कथित यथार्थवादी कलाकार यथार्थ को रंगीन चश्मे से देखकर उस यथार्थ की अशुद्ध व्याख्या करते हुए, उसका अशुद्ध मूल्यांकन करते हुए और इस प्रकार उस यथार्थ को ही विकृत बना दे, किंतु यह विश्वास करते हुए कि उसकी अपनी समझ से जो यथार्थ है वही उसका यथार्थ स्वरूप भी है। अपनी स्पष्ट समझ के साथ मुक्तिबोध ने फैंटेसी का रचना शिल्प के रूप में इस्तेमाल किया है। इस भाववादी शिल्प का यथार्थवादी उपयोग करते हुए अपने समय और युग को समझने की कोशिश की है। अब यह समझना उपयोगी होगा कि फैंटेसी शिल्प की अपनी कौन सी विशेषता है जिसने हिंदी में मुक्तिबोध जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रति प्रतिबद्ध कवि को भी आकर्षित किया। दरअसल फैंटेसी में यथार्थ को कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि वह पाठक को आश्चर्य में डाल देता है। इसमें अति प्राकृतिक और अपरिचय के तत्व का आकर्षण होता है जो श्रोता और पाठक का मनोरंजन भी करता है। भावुकता और बौद्धिकता का समन्वय होता है। पाठक की संवेदनशीलता और सहृदयता आसानी से उद्धत हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसमें कथात्मक ब्यौरों के वर्णन से छूट मिलती है। लेखक बिंबों की एक सघन श्रृंखला तैयार कर अपने भावों, विचारों और युगीन यथार्थ को संक्षिप्त कलेवर में व्यक्त कर सकता है। मुक्तिबोध फैंटेसी की इस विशेषता से भली भांति परिचित थे। कामायनी एक पुनर्विचार में वे लिखते हैं, एक तो यह कि जिए और भोगे गए जीवन की वास्तविकताओं के बौद्धिक अथवा सारभूत निष्कर्षों को, अर्थात जीवन ज्ञान को, कल्पना के रंगों में प्रस्तुत किया जा सकता है फैंटेसी की सहायता से। दूसरे, लेखक वास्तविकता के प्रदीर्घ चित्रण से बच जाता है। वह संक्षेप में ज्ञानगर्भ फैंटेसी द्वारा जीवन की पुनर्रचना करता है। इसके साथ ही कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुसंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि फैंटेसी मुक्तिबोध के लिए टेक्निक भी है और रचना का अमूर्त रूप भी। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन में उन्होंने फैंटेसी को टेक्निक माना है और उसी अर्थ में कामायनी की व्याख्या भी की है, लेकिन एक साहित्यिक की डायरी में उसका विश्लेषण रचना के अमूर्त रूप में करते हैं। इसलिए फैंटेसी और कविता के संदर्भ में अंधेरे में कविता पर इन दोनों पहलुओं के आधार पर विचार करेंगे। अंधेरे में मुक्तिबोध की एक ऐसी कविता है जिसमें उनकी अन्य कई कविताओं की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। इसी अर्थ में यह मुक्तिबोध की प्रतिनिधि कविता है। अंधेरे में कविता की संरचना फैंटेसी और
वक्तृत्व कला के सामंजस्य से निर्मित है। फैंटेसी के माध्यम से मुक्तिबोध यथार्थ प्रेरित भावलोक कल्पित करते हैं, उसे शब्द दृश्य में बदलते हैं और बिंबों तथा प्रतीकों की झड़ी लगा देते हैं। कविता की शुरुआत ही फैंटेसी से होती है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 वह नहीं दिखता, तिलस्मी खोह रहस्यमय अंधकार, हृदय की धक धक तथा भीत से अकस्मात गिरते फूले हुए पलेस्तर से अंधेरा और घना होता है। पाठक की जिज्ञासा को घना कर कोई अस्पष्ट सी आकृति प्रकट होती है। यह आरंभिक फैंटेसी एक तरफ व्यक्ति के अंदर द्वंद्व को प्रकट करती है तो दूसरी तरफ अंधेरे को जिंदगी के कमरों से जोड़कर उसके दायरे को तात्कालिकता से बाहर निकालकर जीवन व्यापी बना देती है। यहाँ कविता आरंभ में ही यह संकेत भी देती है कि इस व्यक्त अंतर्द्वंद्व एक तरफ वैयक्तिक हैं तो दूसरी तरफ युग व्यापी होने के कारण वह उतना ही निर्वैयक्तिक भी है। दूसरे खंड के आरंभ में सूनापन को सिहरते हुए दिखाया गया है। इसमें सूनेपन का सिहरना सत्ता के आतंक का सिहरना है। वह इसलिए सिहर रहा है क्योंकि अंधेरे के खिलाफ विद्रोह की आवाजें उठने लगी हैं। इसलिए शून्य के मुख पर स्वर की सलवटें दिखाई पड़ती हैं, शब्दों की लहरों का कशमसाना आंदोलन और परिवर्तन के एहसास का उभरना है। परिवर्तन का यही प्रतिरूप शांकल बजाता है और वाचक द्वार नहीं खोलता। वह अपनी सुविधाजनक स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहता। उस कोई के प्रति उत्कट लगाव रखते हुए भी भयानक खड्डे के अंधेरे में पड़ा रहता है। यह मध्यवर्गीय व्यक्ति की जीवन छवि और सोच है जो अपनी सुविधाजीवी स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहता लेकिन जिसमें संघर्ष करने की इच्छा है, परिवर्तन की चाह है। इस खंड में मध्यवर्गीय व्यक्ति के मानसिक द्वंद्व को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ अंकित किया गया है। उसके उत्साह, उसकी आकांक्षा, उसकी सहानुभूति, उसकी भीरुता को बखूबी उभारा गया है। अंधेरे में कविता के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि विद्वानों ने उसका पाठ करते हुए उसकी फैंटेसी को डिकोड करने की जगह उसे ही कविता की हकीकत मानकर उसका विश्लेषण किया। मुक्तिबोध ने कविता के आरंभ में ही यह स्पष्ट कर दिया है कि यह जिंदगी के कमरों में अंधेरे की कविता है लेकिन विद्वान पाठकों ने इसे उनके घर के कमरे मानकर पाठ किया। कविता की सारी व्याख्या वे मुक्तिबोध के जीवन में अपघटित कर देते हैं। फैंटेसी उन विद्वानों को देखती हुई विसूरती रहती है कि शायद उस तक भी विद्वान पाठक पहुंचेंगे। फैंटेसी को आप कथात्मक काव्य की तरह नहीं पढ़ सकते जिसमें घटना दर घटना कथा आगे बढ़ती है। कविता के एक एक प्रसंग और संदर्भ से आप परिचित होते चले जाते हैं, आसानी से आप उसका अर्थ समझते चले जाते हैं। फैंटेसी काव्य में ठीक इसके उलट स्थिति होती है। कविता अलग अलग बिंबों में गठित होती है। ये बिंब आपस में जुड़े हुए होते हैं। बिंब के भीतर कविता की कुंजी होती है। उसकी पहचान कर आपको कविता के अर्थ संदर्भ तक पहुंचना होता। ऐसा न करने पर कविता दुरूह और जटिल लग सकती है जो स्वाभाविक है। खंड तीन की फैंटेसी का केंद्र है विचित्र प्रोसेशन। इस प्रोसेशन के दो भाग हैं। पहले हिस्से में बैंड दल, क्विक मार्च, कोलतार पथ, गैस लाइट की पांतें, काले वलबान घोड़ों का जत्था और उसमें शामिल लोग जिसे कवि वाचक के माध्यम से किसी मृत्यु दल की शोभा यात्रा कहता है जो रोमांचकारी जादुई करामात की तरह दिखता है। यह पूरा रूपक है। यह स्थिति की भयावहता उसके आतंक को रूपायित करता है। उसके सारे उपमान सजाए गए हैं। दूसरा हिस्सा है जिसमें कवि इसके उपमेय खोल कर रख देता है। मुक्तिबोध के शब्दों में भयवाह, उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान
यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद बनता है बलवान। हाय हाय, फैंटेसी का जादू खुलता है और हम इस कविता से युगीन यथार्थ के बीच आ खड़े होते हैं। ध्यान देने की बात है कि जुलूस में शामिल लोग समाज के प्रतिनिधि व्यक्ति हैं, उनके कंधे पर देश, समाज और मानवता की रक्षा का दायित्व है, लेकिन उनका निजी स्वार्थ उन्हें हत्यारा डोमाजी उस्ताद के बराबर लाखड़ा कर देता है। वर्तमान व्यवस्था का जन विरोधी चरित्र उभर कर सामने आता है। समाजवादी लोक कल्याणकारी गणतंत्र स्वार्थवादी लोक षड्यंत्रकारी गणतंत्र में बदल जाता है। खंड चार में भय का आतंककारी जादुई वातावरण और गहरा और घना होता है। वाचक की बेचैनी बढ़ती है, वह चारों तरफ अखबारी दुनिया का फैलाव, उसका फंसाव, घिराव और तनाव महसूस करता है। आपातकाल का एक पूरा दृश्य बनता दिखाई देता है। इस खंड का केंद्र उस सिरफिरे का आत्म उद्बोधन है। यह आत्म उद्बोधन, जिसका गद्यानुवाद वाचक हमारे सामने प्रस्तुत करता है, फैंटेसी की शक्ल में आज़ादी के बाद की नई पीढ़ी के हकीकत का बयान है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोग आज़ादी के बाद देश निर्माण में अपनी भूमिका भूल गए, सबके सब अपने स्वार्थ तक सिमट कर रह गए। पागल का बयान इसी तरफ इशारा करता है। दुखों के दागों को तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी बन गई निष्क्रिय तलघर, बताओ किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुँह मोड़ गए, बहुत बहुत ज़्यादा लिया दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। पांचवें खंड में वाचक को ऐसा लगता है कि पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, लेकिन वह किसी का हाथ नहीं बरगद का पात है। वैसे किसी का इशारा या संकेत मानता है। स्पष्ट है कि चौथे खंड में बरगद सभी उपेक्षित और वंचित जनों के आश्रय का प्रतीक है, इसलिए बरगद पात यहाँ जनता का हाथ और साथ साथ चलने का संदेश बन जाता है। छठे खंड में मुख्य रूप से तिलक, गांधी, कलाकार की हत्या तथा वाचक की गिरफ्तारी और उसकी स्क्रीनिंग का रूपक उभर कर सामने आता है। तिलक का रूप आज़ादी पूर्व देखे गए सपने, आदर्श और मूल्यों की उपेक्षा की याद दिलाता है। अगले बंद में वाचक का गांधी से साक्षात्कार होता है। गांधी जी उसे शिशु दे जाते हैं, जो नए सत्य, नए भविष्य का प्रतीक है। वह शिशु सूरजमुखी फूल में बदल जाता है। शिशु को ग्रहण करना काव्य नायक के दायित्व उठाने का संकेत देता है। अगला रूपक कलाकार की हत्या का है। यह सच्चे कलाकार के प्रति सत्ता की क्रूर प्रतिक्रिया का प्रतीक है। कलाकार के प्रति उसकी सहानुभूति बताती है, सहानुभूति अर्थात वाचक की सहानुभूति बताती है कि वाचक का व्यक्तित्वांतरण हो चुका है। तभी कलाकार की हत्या पर उसमें भी क्षोभ और आक्रोश पैदा हो जाता है। वाचक आत्मवधता को पूरी तरह त्याग कर विश्व चेतस क्रांति धर्मा बन जाता है, इसलिए निर्णय लेता है कि अब सभी तरह के खतरे उठाने होंगे। मुक्तिबोध के शब्दों में, अब अव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। सातवें और आठवें खंड में जन क्रांति का रूपक खड़ा किया गया है। जन क्रांति के गतिशील चित्र को फिर अचानक भंग कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुक्तिबोध कविता में आंदोलन सफल कर फैंटेसी को स्वप्न में ही नहीं बने रहने देना चाहते, वे उसे हकीकत की जमीन देते हैं। वाचक की क्रिया प्रतिक्रिया, प्रश्न प्रतिप्रश्न के साथ उसे वह रहस्यमय व्यक्ति लोगों की भीड़ में साथ चलता दिखता है, जो उसे पहले गुहा में मिला था। यह कविता का अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु है। रहस्यमय व्यक्ति का जनता के बीच जाना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति की क्रांतिकारी चेतना जन सामान्य के संघर्ष के साथ जुड़कर ही सार्थक हो सकती है।
इस तरह पूरी कविता फैंटेसी के माध्यम से लगातार गतिशील रहती है। जैसा कि आरंभ में जिक्र किया गया, अंधेरे में फैंटेसी और वक्तव्य शैली का संयोजन है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी के माध्यम से इस कविता में यथार्थ के उन अनेक पहलुओं को मूर्त रूप दिया है जिसे आमतौर पर हम नहीं देख पाते या देखने से इनकार करते हैं। यथार्थवाद के फॉर्मूले को दोहराने की जगह उसे जगह जगह से तोड़ देते हैं और उसमें भाववादी शिल्प का निवेश कर देते हैं। उससे जीवन यथार्थ कविता में और गहन होता है, उसकी व्यंजना बढ़ जाती है, व्यक्ति चेतना मैं से मुक्त होकर सबसे जुड़ जाती है, वैयक्तिकता से सामूहिकता की यात्रा करती है। इस तरह जीवन की पुनर्रचना होती है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी के द्वारा इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया है।